अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आलू अंडे की सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही झटपट बनने वाली चटपटी सब्जी बनके तैयार होगी। आप लोग पूरी वीडियो देखना गाइस हमारी, आज मैं नए तरीके से बनाऊंगी। चलते हैं गाइस, बनाना शुरू करते हैं। इधर इधर मैंने अंडे ले लिया है, ये 9 अंडे हैं, 7 आलू हैं छोटे साइज के। इसको मैंने उबाल के इसके छिलके उतार दिए हैं। अब चलते हैं गाइस, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडे को फ्राई करेंगे, इसको 20 से 2 भाग में कर लेंगे। सारे अंडे में 20 से 2 भाग में कर लूंगी। चलते हैं अंडे को फ्राई करके दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, अंडे को मैं काट रही हूँ, 20 से 2 कर रही हूँ। इसी तरीके से सारे अंडे काट लूंगी। इसको फ्राई करने में आसानी रहती है, अंडा फटता नहीं है जल्दी। सारे अंडे में इसी तरीके से 20 से 2 कर लूंगी, उसके बाद में फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। नॉनस्टिक का तावा चढ़ा दिया है, इसी पे फ्राई करूंगी अंडे को। तेल मैंने डाल दिया है, गरम हो गया है। अब सारे अंडे डाल देती हूँ। इसे पलट के डालना है जल्दी केवल, ताकि अच्छे से हो जाए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लूंगी। इस पे अंडा चिपकता नहीं है, ऐसे काट के आप फ्राई करोगे तो अंडा फटेगा भी नहीं। उसे तेल में साबुत फ्राई करो तो फट जाता है बहुत जल्दी, उसमें जलने का डर रहता है। इस तरीके की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए गाइस, अब अंडे को पलट देती हूँ। एक साइड से हो गए हैं, ये सारे अंडे पलट दूंगी। ये आराम से पलट रहे हैं, नॉनस्टिक के तावा पे चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। सारे अंडे मैंने पलट दिया है, अब दूसरी साइड से थोड़े से हो जाए फिर निकाल लूंगी इसको। बहुत अच्छा कलर आया माशाल्लाह इस पे अंडे पे, बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं ये। अब पीछे वाली साइड से और हो जाए थोड़ा सा, बस निकाल लूंगी सारे अंडे। अब ये अंडे हो गए हमारे, अब निकाल लेती हूँ सारे एक प्लेट में, एक एक करके उठा लूंगी इसे। सारे अंडे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, ये हो गए हैं अच्छे से। अब इसको साइड में रखते हैं, अब सब्जी को बघारना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मैंने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में, अब ये गरम हो रहा है। थोड़ी सी मैंने मेथी ले लिया है, ये डाल देती हूँ तेल में। मेथी हो जाए फिर मसाले डालूंगी इसमें। मेथी हो गई है, सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसी में मैंने आधा प्याज कूटा था लहसुन अदरक के साथ। मसाले डाल देती हूँ पीसे हुए, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ पैकेट में है, ताकि सालन में कलर आ जाए अच्छे से। ये हाफ चम्मच मैंने डाल दिया है। नमक डाल देती हूँ मसाले में, नमक 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको भून लेते हैं मसाले को अच्छे से, उसके बाद में सब्जी डालेंगे। सब्जी मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से मसाले में, अब पानी डाल देती हूँ इसमें। तरी वाली सब्जी बना रही हूँ, तरी वाली अंडे की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसमें उबाल आधे सालन में, फिर बाद में हरी धनिया डालूंगी। इसमें कलर बहुत अच्छा आया है माशाल्लाह। सब्जी हमारी तैयार हो गई है, सालन अच्छा से पक गया है। अब ये थोड़ी सी धनिया मैंने काट के रख लिया था, ये भी डाल देती हूँ। सारी धनिया डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा सालन में मिला देती हूँ अच्छे से। इसको मैंने ढक के नहीं पकाया है, इसे खुले पकाया है। अब ये रेडी हो गई है। देखिए गाइस, आलू अंडे की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनी माशाल्लाह।
आप लोग जरूर बना के खाना गाइस, एक बार हमारे तरीके से आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो हमारी पसंद आए गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।